फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। नाइन्थ स्टैंडर्ड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन में पिछले सेशन में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए स्टडी करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हम कुछ थिंग्स रिकॉल करना चाहते हैं, जो कि है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में इसके बारे में एक्नॉलेजमेंट लिया है। तो व्हाट आर द वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज? वेक्टर्स मींस व्हाट? द क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर्स, एंड the quantities which are expressed by only magnitude means the quantity which are expressed only by its magnitude is called as scalar quantity. तो अक्सर जिसमें direction की ज़रूरत होती है, direction necessary होता है, वो सब quantities हम vector में count करते हैं, और जो quantities express करने के लिए direction की कोई ज़रूरत नहीं होती, by its magnitude only it can be fully explained, ऐसे quantities को हम scalar quantity बोलते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिकॉल करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर्स? तो हमें पांच क्वांटिटीज यहाँ पे दी गई है, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो स्केलर में आते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है हम देखना चाहते हैं यहाँ पे? स्केलर क्वांटिटी में फिर डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, जो फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, वो है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी मींस स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। सो फॉर बोथ दिस क्वांटिटीज डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए दोस्तों, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। सिमिलरली, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज सेम एज द स्पीड, बट द डिफरेंस इज ऑफ ओनली डायरेक्शन। सो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऐसी है, the distance traveled by body in a particular direction in unit time is called as velocity. Both the speed and velocity has the same unit, that is SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. तो दोस्तों, इस तरह speed and velocity इसमें कुछ similarities है, यानी कि दोनों जो है वो एक ही क्वांटिटी मेजर करते हैं, लेकिन इफ स्पीड इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसलिए दोनों क्वांटिटी के, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों के SI यूनिट एंड CGS यूनिट सेम रहते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्पीड है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूले में एक ही चेंज है, स्पीड में डिस्टेंस है एंड वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्पीड इज एसोसिएटेड विद डिस्टेंस सो इट इज स्केलर, एंड वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट सो इट इज वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों, हमें रिमेंबर करना है क्या? ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। The units of speed and velocity are the same. In the SI system, the unit is meter per second, and in CGS system, the unit of speed and velocity is centimeter per second.
स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर द सेम, अदरवाइज दे कैन हैव डिफरेंट वैल्यू. दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस जानने के लिए एक एग्जांपल स्टडी करते हैं. स्क्रीन को केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए. इन द फिगर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर एंड बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर. ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangita's house and then 24 minutes to reach school from there, then find Sheetal's speed along path A and path B. Also find Sheetal's average speed and velocity. तो example को observation करने के बाद हमें speed and velocity ये दोनों क्वांटिटीज यहां पे कैलकुलेट करना है. तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, चलिए सोचते हैं इसके बारे में. सो लेट्स स्टडी अबाउट शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए. पहले हम स्टडी करते हैं शीतल के स्पीड के बारे में अलोंग पाथ ए. फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस है 500 मीटर अपॉन टाइम है 5 मिनट. 500 अपॉन 5 ये आता है एवरेज 100 मीटर पर मिनट. सो शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए है 100 मीटर पर मिनट. अब सेकंड क्वांटिटी यानी कि सेकंड कांसेप्ट हम निकालते हैं शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी. सो अलोंग पाथ बी फॉर्मूला सेम है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 1200 मीटर अलोंग पाथ बी एंड टाइम है 24 मिनट. सो 1200 मीटर अपॉन 24 मिनट कैलकुलेशन है 50 मीटर पर मिनट. सो शीतल का स्पीड अलोंग पाथ ए 100 मीटर पर मिनट है एंड शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी 50 मीटर पर मिनट है. अभी उसका एवरेज स्पीड क्या है. शीतल्स एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शीतल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय हर. सो टोटल डिस्टेंस है 1700 मीटर एंड टोटल टाइम है 24 प्लस 5 यानी 29 मिनट्स. सो 1700 मीटर अपॉन 29 मिनट्स ये कैलकुलेशन आता है 58.6 मीटर पर मिनट. सो शीतल्स एवरेज स्पीड है 58.6 मीटर पर मिनट. अब शीतल्स वेलोसिटी क्या है, फोर्थ कांसेप्ट अब स्टडी करने वाले हैं. वेलोसिटी ऑफ शीतल मींस हियर वी कंसीडर इट्स एक्चुअल डिस्टेंस मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ए डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 1300 मीटर अपॉन टोटल टाइम है 29 मिनट्स. सो 1300 मीटर अपॉन 29 मिनट्स ये कैलकुलेशन आता है 44.83 मीटर पर मिनट. सो शीतल्स एवरेज स्पीड यहाँ पे आ रहा है 58.6 मीटर पर मिनट एंड एवरेज वेलोसिटी आ रही 44.83 मीटर पर मिनट. एक ही एग्जांपल से हमें डिस्टेंस एंड स्पीड का रिलेटेड जो एवरेज स्पीड है एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों के एग्जांपल्स सामने आ गए. इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि स्पीड ए डिफरेंट क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी ये दो डिफरेंट क्वांटिटी है. तो चलिए दोस्तों अब इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है स्टडी करते हैं. इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी ऐसे है. velocity depends on speed as well as direction and that velocity change by following factors. Which are that factors? First factor is changing the speed while keeping the direction same. Second factor is changing the direction while keeping the speed same. And third factor is changing the speed as well as direction. So velocity affected hoti hai teen factor ki wajah se. Changing speed and keeping direction same मीन स्पीड चेंज किया जाता है डायरेक्शन सेम होती है. सेकंड थिंग है चेंजिंग डायरेक्शन एंड कीपिंग स्पीड सेम. डायरेक्शन चेंज होती है स्पीड सेम होता है. एंड थर्ड पॉइंट है चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं जब वेलोसिटी भी चेंज होती है. तो
तो दोस्तों हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करना जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है, ऑलवेज रिमेंबर। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम वॉज अ गैलीलियो। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड, वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 30 करोड़, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इसके बाद हम जानना चाहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। What is mean by uniform motion and what is mean by non-uniform motion? तो uniform motion speed के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसको हम uniform speed ऐसा भी बोलते हैं। तो what is uniform speed? If an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be moving with a uniform speed. अगर कोई object equal time interval में equal distance cover करता हो तो उसका speed uniform है ऐसा बोला जाता है। Non-uniform speed means what? If an object covers unequal distances in equal interval of time, then it is said to be moving with non-uniform speed. अगर कोई object body equal time interval में unequal distance cover करती हो, तो उसका speed uniform नहीं है, यानी कि क्या है? Non-uniform speed है, ऐसा बोला जाता है। तो ये mainly डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। चलते हैं इसका डिटेल स्टडी करने के लिए। लेट्स ऑब्जर्व, अमर अकबर एंड एंथोनी आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। लेट्स ऑब्जर्व द टेबल। टेबल में फर्स्ट कॉलम जो दिया है टाइम इंटरवल का है, और सेकंड कॉलम में अमर्स डिस्टेंस, थर्ड कॉलम में अकबर्स डिस्टेंस एंड लास्ट कॉलम में एंथोनीज डिस्टेंस। तो टाइम सेशन स्टार्ट होता है 5:00 से, टाइम इंटरवल 30 मिनट से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं क्या है। अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर के बारे में सोचते हैं तो एट ईच टाइम इंटरवल ड्यूरिंग ईच 30 मिनट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इज इंक्रीजेस बाय 20। As like that, at 5:00 0, 5:30 20, at 6:40, at 6:30 60, means the increase of distance at each time interval is of 20. अभी distance covered by अकबर क्या है सोचते हैं, अकबर के बारे में, अकबर ने कैसा distance cover किया each time interval। First time में 5 से start होता है, at 5:30 को अकबर का distance है 18, एट 6 है 36 एंड एट 6:30 है 42, आफ्टर दैट 7 को है 70। अगर ये हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है जो टाइम इंटरवल के साथ डिस्टेंस में जो चेंजेस हो रही है, जो इंक्रीजिंग डिस्टेंस हो रहा है, इसमें कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। अब लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट कॉलम में डिस्टेंस कवर बाय एंथोनी दिया है। टाइम सेशन स्टार्ट होता है 5 से, एट 5:00 0 डिस्टेंस है, 5:30 को है 14, 6 को है 28 एंड 6:30 को है 42, 7 को है 56 एंड 7:30 को 70। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट कॉलम डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथोनी तो हमें पता चलता है डिस्टेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस एक तरीके से है, यानी कि कॉन्स्टेंसी है चेंजेस में। एट ईच टाइम इंटरवल द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 14। तो टेबल पे डिपेंड एग्जांपल से कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं जो कि यूज योर ब्रेन पावर में है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर अकबर एंड एंथोनी। सो टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर अकबर एंथोनी, जो टाइम इंटरवल है इन ईच केस 30 मिनट्स का है। सो इसका आंसर है 30 मिनट्स अबाउट द टाइम इंटरवल। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इन इक्वल टाइम इंटरवल।
So by observing table, it is clear that distance covered by Amar and Anthony having the same increment in their distances according to the time interval means the Amar and Anthony has covered equal distances in equal interval of time. तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल द सेम? तो इसका आंसर है नो, ऑल डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल्स आर नॉट सेम. अकबर का टाइम इंटरवल के हिसाब से जो चेंजिंग है डिस्टेंस का वो कॉन्स्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. सो इसका आंसर नो है. क्वेश्चन फोर्थ है, considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals, what can you say about their speed? By observing whole table about the speed, what is our statement? Amar and Anthony are traveling with the uniform speed, that is with same speed, while Akbar is traveling with non-uniform speed. So it is clear that if the body covers equal distances in equal interval of time, then it is called uniform speed. And if body covers unequal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform speed. Thank you.